हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे चैनल ट्रैवल बी एंड एस में। गाइस, आज हम आपके लिए पूरी अपडेट लेकर आए हैं अहमदाबाद, हिम्मतनगर, उदयपुर के रास्ते। जो ब्रॉड गेज कन्वर्जन रेलवे लाइन बन रही है उसके आज फुल डिटेल बताने वाले हैं, और वर्क कहाँ तक कंप्लीट हुआ और ये रूट कब तक चालू होगा ये भी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो बने रहे वीडियो के अंत तक ज़रूर। और मैं आपको ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कुछ न्यूज़पेपर ने और कुछ लोगों का क्या कहना है, और न्यूज़पेपर ने भी एक संदेश छापा है कि ये रूट कब तक चालू होगी और क्या क्या कंस्ट्रक्शन बाकी है। तो आइए हम आपको उस पूरे डिटेल आज आपको बताता हूँ। तो गाइज, आपको पता है, ये देख सकते हैं, हिम्मतनगर से डूंगरपुर तक रेल लाइन पूरी, डूंगरपुर उदयपुर लाइन दिसंबर तक होगी तैयार। मतलब आप इसका कहना है कि हिम्मतनगर से डूंगरपुर तक रेल लाइन बनकर तैयार है, और जो डूंगरपुर से उदयपुर की लाइन है वो अभी तक तैयार हो रही है, अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया गया है। और आपको पता है गाइज, यहाँ पे इस रास्ते में 3 टनल आते हैं, टनल नंबर 1, टनल नंबर 2 और टनल नंबर 3, जिसकी कार्य अभी प्रगति पे है। और टनल नंबर 2 के बगल में एक बगड़ुआ ब्रिज है, उस पर ग्रिंडर लॉन्चिंग कर दिया गया है। और इसमें इस न्यूज ये भी कहा गया है कि दिसंबर तक डूंगरपुर उदयपुर, मतलब पूरी तरह से अहमदाबाद हिम्मतनगर उदयपुर तक जो रेलवे लाइन है वो दिसंबर तक तैयार कर दी जाएगी। तो देखिए क्या कह सकते हैं, आशा तो है कि कंप्लीट हो जाए। सिर्फ ये जो कंस्ट्रक्शन बचा है, जो कारवा चंदा से सेमारी तक का जो कंस्ट्रक्शन बचा है, सिर्फ वही कंस्ट्रक्शन बचा, बाकी हर जगह के कंस्ट्रक्शन तैयार हो चुके हैं। और गाइज, आशा है कि जल्द ही इस रूट पे रेल सेवा दौड़ेगी। तो गाइज, इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपडेट दें।